हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सौरभ और आप जुड़ चुके हैं आरएसी चैनल पर मेरे साथ। हम पढ़ चुके हैं कल लोक देवता के अंदर राजस्थान के पंच पीरों के बारे में, और आज हम जो बाकी के लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो राजस्थान के पंच पीर थे, और उनको हमने याद किया था पराग माही, जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी हमने उससे याद किया था, जहाँ पर का अर्थ था पाबू जी, र से रामदेव जी, ग से गोगा जी, म से मेहाजी मांगलिया और ह से हड़बू जी। पाबू जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाबू जी का जो जन्म है वो कोलमुंड जोधपुर के अंदर हुआ था। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार और ऊँट रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर मैंने आपको बताया था, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो रुणीचा जैसलमेर के अंदर है। इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है 24 बाणियाँ, ठीक है। इसके बाद में पाबू जी रामदेव जी, इसके बाद हमने पढ़ा था गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इनके दो जो प्रमुख मंदिर है वो हैं सिरसमेड़ी और धुरमेड़ी। ये चीज़ आपको गोगा जी के बारे में याद रखनी है। गोगा जी के बाद में हमने जो पढ़ा था वो था मांगलिया मेहाजी के बारे में। मेहाजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मेहाजी है उनकी घोड़ी है किरड़ काबरा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको हड़बू जी के बारे में बताया था। हड़बू जी है रामदेव जी के मौसेरे भाई। ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी पंच पीरों के बारे में। आज जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है तेजा जी के बारे में, ठीक है। तो तेजा जी का जन्म है वो खरनाल नागौर के अंदर एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, माता राम कंवर, और पत्नी का नाम था पेमल दे। जो तेजा जी की घोड़ी है उसका नाम था लीलण, और जो तेजा जी का जो भोपा होता है उसे घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी को सर्प रक्षक देवता और काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। जो तेजा जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तेजा जी को सर्प रक्षक देवता और काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जो कि किसान हल जोतते समय तेजा जी का गीत गाते हैं। जो इनका मुख्य मंदिर है वो है एक तो परबतसर नागौर के अंदर, दूसरा है बासी दुगारी बूंदी के अंदर, और तीसरा मतलब सेंधारिया भावता सुरसुरा, ये अजमेर के अंदर इनके मंदिर हैं। सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा जी मतलब जो लाचा गुजरी है उनकी गायों की रक्षा करते टाइम घायल हो गए थे, और उसी टाइम मतलब सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर इनको सांप सांप ने काट लिया था, उसी टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। तो तेजा जी के बारे में हमने जो ये डिटेल पढ़ी है वो आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। इनके गुरु का नाम है उगम सिंह बाटी। इनकी रानी रूपा दे थी जो एक लोक देवी है, और मल्लीनाथ जी और रूपा दे जो इनकी धर्म पत्नी थी दोनों ने मिलकर सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया था। जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। मल्लीनाथ जी के बारे बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है पांचोटा जालौर में। इनका वास्तविक नाम जो है वो गोगादेव राठौड़ है। इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ, और जो तल्लीनाथ जी हैं इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको तल्लीनाथ जी के बारे में याद कर लेनी है। अब तल्लीनाथ जी के बाद हम पढ़ने वाले हैं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी के बारे में आप सबने पहले बहुत सुना होगा। इनका जन्म है आसिंद भिलवाड़ा, और यहीं पे इनका मुख्य मंदिर भी बना हुआ है। इनके पिता का नाम है स्वाई भोज, इनकी माता का नाम है सेदू, और पत्नी है पीपल दे, ठीक है। ये जो जन्म है वो बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। इसने इन्हें विष्णु का अवतार व औषधि का देवता भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। जो इनकी इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है बगड़ावत, ठीक है। ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। इनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। इनके बारे में आगे देखें तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो मैंने जैसा अभी आपको बताया आसिंद भिलवाड़ा में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया मंदिर है, देवधाम मंदिर है जोधपुरिया के अंदर। ये टोंक जिले की निवाई तहसील में पड़ता है। इसके बाद देवडुंगरी मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो देवनारायण जी हैं उनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी है, और इनकी फड़ जो है जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो पाबू जी की फड़ है वो राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो देवनारायण जी का मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। तो देवनारायण जी के बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है।
इनके बाद हम पढ़ने वाले हैं देव बाबा के बारे में। देव बाबा को पशु चिकित्सक कहा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है नांगला जहाज भरतपुर के अंदर। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाते हैं, क्योंकि मतलब पशु पक्षियों पशुओं को ये पालते थे। इनका जो मेला है वो है बरताएं चैत्र शुक्ल पंचमी व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये सारी डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हरी राम जी के बारे में। हरी राम जी का जो मंदिर है वो जोरड़ा नागौर के अंदर स्थित है। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। इन मंदिर के अंदर सांप का जो बिल होता है उनकी पूजा की जाती है। हरी राम जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। तो हरी राम जी के बारे में ये सारी डिटेल आपको याद कर लेनी है। हरी राम जी के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मामा देव के बारे में। मामा देव के बारे में एक चीज़ आपको पहले से बता दूं कि इन्हें बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है, और इनका कोई मंदिर नहीं होता। गांव के बाहर जो तोरण होता है, इनका तोरण होता है, उसी जगह इनकी पूजा की जाती है। इन्हें खुश रखने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये सारी डिटेल मामा देव के बारे में थी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में जो भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं डोंग जी जवाहर जी के बारे में। इनके बारे में पहले भी आपने बहुत सुना होगा। बाठोट और पाटोदा जो गांव है सीकर के अंदर, उनके ये सामंत थे। इनके जो सहयोगी थे वो थे करणा जी मीणा और लोहट जी जाट। डोंग जी और जवाहर जी के बारे में कहा जाता है कि ये अमीरों को लूटते थे और उनके लूटे हुए धन को गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। डोंग जी और जवाहर जी जो हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों की नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। इनके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वीर फत्ता जी के बारे में। जो फत्ता जी का जो मुख्य मंदिर है वो है सांतू जालौर के अंदर। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर फत्ता जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जो मेला भरता है वो है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बिग्गा जी के बारे में। बिग्गा जी, इनका जो मंदिर है वो रीडी बीकानेर के अंदर। बिग्गा से आपको बीकानेर याद कर लेना है, बिग्गा और बीकानेर। ठीक है, जो बिग्गा जी थे वो जाखड़ समाज के कुल देवता थे। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आज हमने जितने भी लोक देवता के बारे में पढ़ा है, लगभग लगभग सभी के अंदर गायों का जिक्र हुआ है, क्योंकि गाय उस टाइम के अंदर भी जो भगवान है, जो माता है, उनका अवतार मानी जाती थी। ठीक है, बिग्गा जी के बारे में बस आपको एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि रिड्डी बीकानेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये चीज़ याद कर लेनी है। अब जो जुजार जी हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि इनका जन्म स्थान इमलोहा सीकर के अंदर है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है स्यालोदड़ा सीकर के अंदर। इनके मंदिर में दुल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है। जुजार जी के बारे में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं केसरिया कुंवर जी के बारे में। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे और सर्प रक्षक देवता थे, और गोगा जी पंच पीरों के अंदर शामिल है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जरडा जी के बारे में। जो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है कोलुमंड जोधपुर के अंदर, और दूसरा मंदिर सिंबुदड़ा बीकानेर के अंदर। जो जरडा जी थे वो पाबू जी के भतीजे थे। जब मैंने आपको पाबू जी के बारे में बताया था, तो जींदराव खिच्ची के बारे में बताया था कि जींदराव खिच्ची से लड़ते हुए पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जो झरडा जी हैं, उन्होंने जींदराव खिच्ची को मारकर अपने पिता और चाचा जो पाबू जी हैं, ठीक है, उनकी हत्या का बदला लिया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो झरडा जी थे वो पाबू जी के भतीजे थे, और इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है, बालकनाथ, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे इनको बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं खेतला जी के बारे में। जो खेतला जी हैं, उनका मुख्य मंदिर है सोनाना पाली के अंदर। हकलाने वाले बच्चों का इस मंदिर के अंदर इलाज किया जाता है। ठीक है, जो इनका मेला लगता है वो है चैत्र शुक्ल एकम को। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आलम जी के बारे में, जो हमारे आखिरी लोक देवता हैं। ठीक है, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है धोरी मन्ना बाड़मेर के अंदर। इन्हें घोड़ा रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। तो आज हमने जितने भी लोक देवता पढ़े, किस एग्जाम में किस लोक देवता के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में हमने आपको बताया है। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लोक देवता है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एक तो झरड़ा जी, ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो हैं केसरिया कुंवर जी, इनके बारे में इतना नहीं पूछते। जुझार जी के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिग्गा जी के बारे में इस मंदिर के लिए पूछ लेते हैं कि जो बिग्गा जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है। इसके बाद आपको बताता हूँ फत्ता जी के बारे में पूछा जाता है। डोंग जी जोहार जी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद मामा देव जी को बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं, जो हरी राम जी हैं ये इनका जो मुख्य मंदिर है वो है जोरडा नागौर के अंदर। ये चीज़ आपको याद करनी है, देव बाबा ये मतलब भरतपुर से संबंध है इनका, ये चीज़ याद रखनी है। और पशु चिकित्सक के रूप में देव बाबा को जाना जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जो देव नारायण जी हैं इनके बारे में जो भी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि RPSC हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो कोई सी भी देव नारायण जी को कभी इग्नोर नहीं करती। और देव नारायण जी के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो 2010 है 2010 में देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया था, देव नारायण जी और तेजा जी के ऊपर 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2010, ठीक है। तो 2010 में तेजा जी और देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। तेजा जी इनके बारे में भी हर एक चीज़ जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें याद कर लेनी है। तो इस प्रकार हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये जो PDF मैंने आपको पढ़ाई है ये चाहिए तो इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।